उत्पत्ति अध्याय 44 उत्पत्ति अध्याय 44 तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी कि इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे और एक एक जन के रुपयों को उनके बोरे के मुंह पर रख दे और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। बिहान को भोर होते ही वे मनुष्य अपने गधों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कह कि तुमने भलाई की संति बुराई क्यों की है। क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचार करता है। तुमने यह जो किया है सो बुरा किया। तब उसने उन्हें जा लिया और ऐसी ही बातें उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझसे फेर दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर के से हम कोई चांदी व सोने की वस्तु क्यों कर चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाए। उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह निकले सो मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उसे खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की और कटोरा बिन्यामिन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लादकर नगर को लौट आए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहे? हम क्या कहकर अपने को निर्दोषी ठहराए? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है, हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी। हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही है। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे, जिस जन के पास कटोरा निकलता है वही मेरा दास होगा और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के। तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा कि क्या तुम्हारे पिता व भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था कि उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख फिर न आने पाओगे। सो जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहा तो हम उस पुरुष के सन्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा,
तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से दो पुत्र उत्पन्न हुए और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। सो यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस पके बाल की अवस्था में दुख के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे तब उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो पके बालों की अवस्था का है शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहां यह कहके इस लड़के का जामिन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास न पहुंचा दूं तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। सो अब तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं क्यों कर अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े।